गढ़चांदूर में अनशन पर बैठे आदिवासियों से कोरपना और ज्योति के तहसीलदारों ने अनशन स्थल को भेंट दी। गढ़चांदूर में अनशन पर बैठे आदिवासियों से कोरपना और ज्योति के तहसीलदारों ने भेंट ली। गढ़चांदूर पुलिस स्टेशन के सामने मानिकगढ़ सीमेंट कंपनी पर गुना दर्ज कराने की मांग को लेकर जनसत्याग्रह संगठन के अध्यक्ष सैयद आबिद अली के मार्गदर्शन में अनशन कर रहे कुसुम्बी आदिवासियों का आज 19वां दिन है। ज्योति और कोरपना के तहसीलदारों ने अनशनकर्ताओं की भेंट लेकर चर्चा की और अनशन को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। इस समय जनसत्याग्रह के अध्यक्ष आबिद अली और आदिवासी समाज भाइयों की बड़ी तादाद में मौजूदगी थी। तहसीलदार के प्रस्ताव को अनशनकर्ताओं ने ठुकराते हुए कहा कि पहले हमारी मांगों को पूरा करो, बाद में अनशन समाप्त होगा। इसमें भले ही हमारी जान ही क्यों नहीं चली जाए, हम मांग पूरी होने तक अनशन नहीं तोड़ेंगे। सुनिए आबिद अली की जुबानी। या ठिकाणी 19 दिवस झाले आमरण उपोषणाला आदिवासी बसलेले आहेत। आदिवासीच्या जमिनी हडपल्या प्रकरणामध्ये गेल्या 5 वर्षापासून सातत्याने चौकशीची मागणी करून न्यायाची गुहार करत आहे, परंतु या आदिवाशांना न्याय मिळत नाही। पोलीस सांगतात का गुन्हा दाखल आम्ही करणार नाही, गुन्हा दाखल करण्यासाठी महसूल विभागाने आदेश द्यावा। महसूल विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून सुद्धा गुन्हे दाखल करण्याबद्दलचे कोणतेच आदेश झालेले नाही। परिणामतः गेल्या 5 वर्षामध्ये तलाठ्यांनी 5-10 सर्वे करून मोक्का पंचनामा केला, त्याचा अहवाल दिला, त्यामध्ये निष्पन्न झालेला आहे की त्या ठिकाणी आदिवासीची जमीन बेकायदेशीररित्या कंपनीनं हडप केली। या ठिकाणी कंपनीनं आदिवासीचा अंत पाहू नये, पहिल्यांदा जिल्हाधिकाऱ्याकडे बैठक झाली, पालकमंत्र्याकडे बैठक झाली, उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे बैठक झाली, 4-4 बैठका होऊन सुद्धा निष्पन्न निघत नसेल तर या आदिवासींनी आता अंतिम निर्णय घेतलेला आहे का 6 डिसेंबरला जलसमाधी घ्यायची, आणि जो खड्डा खोदून ठेवलेला आहे महसूल विभागानं महसूल विभागाच्या पुन्हाईनं मानिकडनं त्या ठिकाणी ते जलसमाधी घेणार। अन्यथा शासनाने 5 वर्षामध्ये कोणती चौकशी केली, मानिकगड सिमेंट कंपनीवर कोणती कारवाई केली याचा खुलासा करावा, अन्यथा आम्ही ज्या सातत्यानं मागण्या करत आहोत, एकही आदिवासी कोलामांना नोकरी मिळाली नाही, नोकरी मिळाली पाहिजे, त्यांना जमिनीचा मोबदला मिळाला पाहिजे आणि पुनर्वसनाचा मोबदला मिळाला पाहिजे। ज्या 9 आदिवासीची जमीन बेकायदेशीर हडपलेली आहे त्यांना त्यांचा जमिनीचा आजच्या बाजारभावाने मोबदला दिला पाहिजे, जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत कंपनीच्या विरोधात आंदोलन संपणार नाही। सी टीव्ही न्यूज के लिए गढ़चांदूर से सैयद मुमताज अली की रिपोर्ट।